नाम डॉली है। डॉली मैं एसएल की स्टूडेंट हूँ, एसएल की स्टूडेंट हूँ मैं। मैं बोलना चाहूँगी कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि हाँ हमने एक समान सबको दर्जा दिया हुआ है, तो मेरा एक पर्सनली ये कहना है कि ठीक है जातिवाद को ख़त्म करो, तो कोई जातिवाद नहीं, सब लोग हिंदुस्तानी ही कहलाएंगे अगर ये एक दर्जा आपको देना है। आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान ना तो संविधान के किसी पेज पे लिखा है और ना ही हिंदुस्तान किसी ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर लिखा है, अगर लिखा है तो सिर्फ भारतवर्ष लिखा है। तो गवर्नमेंट को आपको अपने शब्दों में संशोधन करना पड़ेगा, हिंदू शब्द आपने पढ़ा नहीं, मतलब एक सिर्फ हम भारतीय कहलाएं और कोई जातिवाद नहीं, कोई ब्राह्मण या कोई शूद्र या कुछ नहीं लगाया जाए, सिर्फ हम इंडियन कहलाएं। ये मेरा पर्सनल मामला है। अगर स्कूल में जाएगा तो एक प्राइम मिनिस्टर का बच्चा भी उसी स्कूल में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। जो ये शोषण होता हुआ आ रहा है, क्या इस पर कोई बात कर रहा है? कभी नहीं करता है। क्या असलियत में जो लोग पिछड़े लोग हैं उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है? कभी नहीं मिलता है। ये तो हम थोड़ा यूथ हैं, हम थोड़ा अवेयर हो गए तो हमें पता चला है कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं। जो गांव में पिछड़े लोग उन्हें रोटी तक खाने के लिए, तो हमारा ये जो गवर्नमेंट है ये किस चीज़ की बात करती है? क्या आरक्षण देने की बात करती है? आरक्षण एक तरीके से है ही नहीं। अभी जो SSC वगैरह में जो सीट निकलती है वो जनरल से कम सीट निकलती है, बहुत कम क्वान्टिटी में निकलती है। अब सारे जब वहाँ पर SC ST वाले चले जाएंगे तो क्या कंपटीशन वहाँ नहीं है? क्या वहाँ पर भी कंपटीशन है? और पहली बात तो मैं भी एक SSC और मैं अपनी कि जो मैं SSC की तैयारी कर रही हूँ, मैं SC उससे हूँ, मैं अपनी फीस नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ, बताओ मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से पढ़ूँ? और गवर्नमेंट कहती है कि आप आगे बढ़ो, कहाँ से आगे बढ़ेंगे? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ये सिर्फ नारा है, उनका कोई काम नहीं है, बस ये नारे पे ही चल रही है उनकी गवर्नमेंट, कोई काम नहीं है। कांग्रेस भी आई थी, कांग्रेस ने भी ऐसे शोषण टाइप मचाया है, लेकिन बीजेपी ने भी मचाया। प्रधानमंत्री बने थे वो कहते थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को हर साल, ऐसा कुछ भी नहीं। काहे नौकरियां? आज बच्चे जो इंजीनियर हैं जिन्होंने SSC किया हुआ वो सब भटक रहे हैं, काहे नौकरियां? अरे नौकरी दो तो सही, तभी तो पता चलेगा कि हाँ नौकरी है। ऐसे वादों से कुछ नहीं होता है। डॉली लास्ट कि आज जो दिल्ली का या भारतवर्ष के अंदर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? बिल्कुल भी नहीं है सर। हम 6 बजे के बाद नहीं निकल सकते हैं, हम अपनी कहीं कंप्लेंट कराने जाएंगे तो उल्टे हमसे ही सवाल पूछे जाएंगे। और जो लोग हम लोगों के साथ ईव टीचिंग वगैरह करते हैं वो SC 0 होते हैं, हम लोग जा ही नहीं सकते। पहली बात तो हमारे पेरेंट्स ही रोक देते हैं कि नहीं बेटा मत जा बाहर, आपसे ये ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, हम जा ही नहीं पाते हैं वहाँ पर। इवन अगर आप थाने में भी जाओगे ना तो पुलिस वाले भी आपसे उल्टी सीधे बातें करते हैं, वहाँ पर नहीं सुनी जाती है लड़कियों की। तो सेफ है ही नहीं, दिल्ली भी सेफ नहीं, इवन इंडिया तक सेफ नहीं है। और गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए।